नमस्कार दोस्तों हर्ष द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है मेरा नाम है विनीत सागर डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस 17 अप्रैल 2023 अभी के लिए केवल मैं न्यूज आपको बताऊंगा एडिटोरियल्स थोड़ी देर के बाद मैं अपलोड करूंगा तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज हम डिस्कस करेंगे पहला तो देखिए दोस्तों यूपी गवर्नमेंट ने जुडिशियल कमीशन फॉर्म किया है टू इन्वेस्टिगेट किलिंग ऑफ आर्क एंड हिज ब्रदर तो ये जुडिशियल कमीशन मतलब क्या होता है यूपी गवर्नमेंट ने ये डिसीजन क्यों लिया गया ये सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे फिर शबरीमला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का प्रपोजल सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है शबरीमला टेम्पल के बारे में आपने सुना होगा तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे फिर इंडियन आर्मी बेली ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट करेंगे कजरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व में तो ये बेली ब्रिजेस क्या होता है कजरंगा नेशनल पार्क के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे फिर जी मिनिस्टर्स का एक मीटिंग हुआ था उसमें उन्होंने डिसाइड किया है कार्बन फ्री इलेक्ट्रिसिटी इंश्योर करने के लिए 2035 तक तो ये डिस्कस करेंगे फिर देखिए 2022-23 फाइनेंशियल ईयर में इंडिया का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बना है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चाइना सेकंड पोजीशन में है ये भी हम डिस्कस करेंगे तो पांच इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्तों आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन चैनल को अब तक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा हमें सपोर्ट करने के लिए आप सुपर थैंक्स का ऑप्शन यूज कर सकते हैं आगे जाने से पहले यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 का प्रिपरेशन के लिए हमने क्रैश कोर्स लॉन्च किया है दोस्तों ऐप के थ्रू का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है टोटल थर्टी फाइव का क्लासेस है दोस्तों पिछले एक साल का जितने भी इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स है उससे रिलेटेड स्टैटिक डाटा भी आपको मिल जाएगा साथ साथ में टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है ऐप में सो डू सब्सक्राइब टू द कोर्स शुरुआत करते हैं सबसे पहला न्यूज यूपी गवर्नमेंट फॉर्म जुडिशियल इन्वेस्टिगेट किलिंग ऑफ आर्तिक एंड ब्रदर जीएस पेपर टू जुडिशल कमीशन देखिए इंसिडेंट के बारे में तो आपको पता ही है दोस्तों गैंगस्टर टर्न पोलिटिशन आतिक अहमद और उनके भाई खालिद अजीम अका अशरफ को हॉस्पिटल ले जा रहा था मेडिकल चेकअप के लिए उस वक्त तीन लोगों ने आके उन दोनों का मर्डर किया वीडियोस वगैरह काफ़ी वायरल हुआ था आपने देखा ही होगा तो इसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में सेक्शन 144 फोर्टी इम्पोज़ किया था सेक्शन 144 के बारे में आपको पता ही होगा मैं एक बार बता देता हूँ एक कॉलोनियल एरा लॉ है जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में लिखा हुआ है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर क्या होता है आपने इंडियन पीनल कोड के बारे में सुना ही होगा इंडियन पीनल कोड में अलग अलग सेक्शन से हर एक ऑफेंस के लिए पनिशमेंट क्या है ऑफेंस क्या होता है वो सबका डेफिनेशन आपको आईपीसी में मिल जाएगा ये जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जिसे सीआरपीसी भी बोलते हैं इसमें क्रिमिनल ऑफेंसेस के बारे में बताया हुआ है क्रिमिनल ऑफेंसेस का डेफिनेशन क्या होता है क्रिमिनल ऑफेंसेस के लिए पनिशमेंट क्या क्या है वो सब आपको कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में मिल जाएगा ठीक है वैसे आप आई और सी सी को मतलब रिलेट कर सकते हैं पर सीआरपीसी में स्पेसिफिकली क्रिमिनल प्रोसीजर्स के बारे में लिखा हुआ है ठीक है तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में सेक्शन 144 है इट ऑथोराइज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ए सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और एनी अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट डिजिग्नेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू गिव ऑर्डर्स टू प्रिवेंट एंड एड्रेस अर्जेंट केसेस ऑफ द अप्रेंडेड डेंजर और नोइेंस तो बेसिक सेक्शन 144 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर सब डिविशनल मजिस्ट्रेट या फिर कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिन्हें स्टेट गवर्नमेंट ने डेसिग्नेट किया है उन्हें पावर्स देता है अर्जेंट केसेस ऑफ डेंजर और अप्रहेंडेडेंजर को प्रिवेंट करने के लिए तो बेसिकली सेक्शन 144 जो है एक प्रिवेंटिव जो है कोई डेंजर ना हो कोई वायलेंस ना हो यह सबको प्रिवेंट करने के लिए सेक्शन 144 फोर्टी इंपोज किया जाता है और सेक्शन 144 फोर्टी इंपोज करने का पावर किसके पास है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या फिर कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिन्हें स्टेट गवर्नमेंट ने डेजिग्नेट किया है यह आप ध्यान दीजिएगा ठीक है एंड द ऑर्डर कैन बी इश्यूड ओनली इफ द मजिस्ट्रेट बिलीव इट इज़ लाइकली टू प्रिवेंट द फॉलोइंग मतलब देखिए अगर मजिस्ट्रेट को लगता है सेक्शन 144 फोर्टी फोर करने से कुछ वायलेंस या डेंजर या रोड्स वगैरह प्रिवेंट कर सकता है देख इधर लिखा है ऑब्स्ट्रक्शन अनेंस और इंजरी टू एनी पर्सन लॉफुली एम्प्लॉयड बेसिकली जो सिक्योरिटी फोर्सेस को डिप्लॉय किया जाता है पुलिस फोर्सेस को डिप्लॉय किया जाता है उनकी तरफ कोई वायलेंस ना हो कोई उनको ड्यूटी करने के लिए परेशानी ना हो तो ये सब करने के लिए अगर सेक्शन 144 फोर्टी करना है तो कर सकते हैं और डेंजर टू ह्यूमन लाइफ हेल्थ और सेफ्टी तो बेसिकली ह्यूमन लाइफ हेल्थ एंड सेफ्टी इंश्योर करने के लिए ये इंपोज किया जा सकता है पब्लिक ट्रैक्विटी को डिस्टर्बेंस ना हो इसके लिए इंपोज किया जा सकता है कोई रोटे और अफरे ना हो इसके लिए भी इंपोज किया जा सकता है ठीक है नौ ये जो ऑर्डर है दोस्तों एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल के खिलाफ भी इशू किया जा सकता है या फिर जनरल पब्लिक के खिलाफ भी इंपोज किया जा सकता है एंड ऑर्डर अंडर सेक्शन 144 आर वैलिड फॉर टू अनलेस द स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड्स टू एक्सटेंड दम ये भी आप ध्यान दीजिएगा सेक्शन 144 मैक्सिमम दो महीने के लिए इंपोज किया जा सकता है पर अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है एक्सटेंड करने की जरूरत है तो एक्सटेंड भी कर सकता है पर मैक्सिमम छः महीने तक ही सेक्शन 144 फोर्टी फोर किया जा सकता है उससे ज्यादा नहीं ठीक है तो सेक्शन 144 फोर्टी इंपोज करने से चार से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते लोगों को मैक्सिमम कोशिश करना है घर के अंदर ही रहने के लिए अगर बाहर निकल भी रहा है तो चार से ज्यादा लोग एक साथ नहीं होना चाहिए ये 144 का सबसे एक है। तो अब उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जुडिशियल गलत हुआ है एक खतरनाक इंसिडेंट था वो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हुआ है क्योंकि हमारे देश में ऑलरेडी एक प्रॉपर जुडिशियल सिस्टम है प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम है कोई भी ऑफेंस करे चाहे वो कोई भी ऑफेंस हो उनका प्रॉपर हियरिंग होना चाहिए कोर्ट में एक एडवोकेट के साथ कोर्ट जो है सबकी बातें सुनेंगे फिर कोर्ट डिसाइड करेंगे उनका क्या पनिशमेंट होना चाहिए पर इधर क्या हुआ इधर कुछ लोग आके उनको सीधा सीधा गोली मार दिया यह गलत है ना तो इस तरह होने से हमारा जस्टिस सिस्टम का जो प्रिंसिपल है वो ठीक तरह से नहीं चलेंगे तो ये नहीं होना चाहिए तो ये इंसिडेंट क्यों हुआ किसकी तरफ से गलती हुआ है क्या सिक्योरिटी फोर्सेस ने प्रॉपर केयर नहीं किया ये सब देखेंगे ये जो जुडिशल कमीशन है तो ये जुडिशल कमीशन को हेड करेंगे अलाहाबाद हाईकोर्ट रिटायर्ड जज अरविंद कुमार त्रिपाठी एंड कमीशन के दो और मेंबर्स रहेंगे वन इज रिटायर्ड जज ब्रिजेश कुमार सोनी एंड फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सुबेश कुमार सिंह स्टेट गवर्नमेंट को अपना रिपोर्ट उन्हें सबमिट करना है दो महीने के अंदर तो स्टेट गवर्नमेंट जुडिशियल कमीशन सेटअप करने का रीजन क्या होगा पुलिस भी तो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं ना देखिए ये पर्टिकुलर इंसिडेंट में पुलिस की तरफ से भी गलती हुई है क्योंकि वो दोनों कन्विट्स का सिक्योरिटी इंश्योर करना पुलिस का काम था तो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है उस वजह से तीन लोग आके उन्हें गोली मार के चला गया है कि नहीं तो अगर पुलिस इन्वेस्टिगेट करेंगे तो इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होने का चांसेस है तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट ने जुडिशियल कमीशन सेटअप किया है वैसे ये जुडिशियल कमीशन मतलब क्या होता है पार्लियामेंट ने

ंडर द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल सेवन लिस्ट वन एंड टू तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल सेवन लिस्ट वन एंड टू में ये सेंट्रल लेजिस्लेशन एनेट किया है वैसे शेड्यूल सेवन में आपको पता ही होगा दोस्तों तीन लिस्ट है यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट एंड कंकरण लिस्ट तो ऑब्वियस ही बात है ये जो पब्लिक इंपॉर्टेंस वाली बातें हैं अगर वो लिस्ट वन में आता है या फिर लिस्ट थ्री में आता है बेसिकली यूनियन लिस्ट या कंकरेंट लिस्ट में आता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्वारी कमीशन अपॉइंट कर सकता है अगर लिस्ट टू एंड लिस्ट थ्री में आता है बेसिकली स्टेट लिस्ट या कंकरेंट लिस्ट में आता है तो स्टेट गवर्नमेंट्स इंक्वारी कमीशन जो है अपॉइंट कर सकते तो इधर उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने जुडिशियल कमीशन फॉर्म किया है जो दो महीने के अंदर अपने फाइंडिंग्स को सबमिट करेंगे ठीक है आई होप आपको समझ में आ गया अगला न्यूज शबरीमला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रपोजल रिसीव्स सेंट्रल अप्रूवल जीएस पेपर टू इंफ्रास्ट्रक्चर शबरीमला टेंपल के बारे में आपने सुना ही होगा दोस्तों वन ऑफ द फेमस टेंपल्स इन साउथ इंडिया काफी न्यूज में आया था 2018 में जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक जजमेंट आया था दैट ऑल डिवोटीज कैन एंटर द टेम्पल रिगार्डलेस ऑफ जेंडर बेसिकली शबरीमला में जो मेन्स्ट्रेटिंग वीमेन है उनकी एंट्री बैन किया हुआ है तो उसके खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटिशन फाइल हुआ था फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जजमेंट आया था कि ऑल डिवोटीज कैन एंटर इर ऑफ देयर जेंडर ठीक है इसके बाद काफ़ी प्रोटेस्ट वगैरह हुआ था केरला में यह सब काफी न्यूज में आया था तो शबरीमला टेम्पल के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ इट इज़ एन एंशियन अय्यपन टेम्पल लॉर्ड आयन इज ऑल्सो नोन आज धर्मशास्त्रा एंड शास्त्रा इट इज लोकेटेड इन पत्तरन तिट्टा डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला तो केरला का पत्तरन तिट्टा डिस्ट्रिक्ट में एक हिल है दोस्तों शबरीमला मला मतलब मलयालम में हिल होता है ठीक है तो शबरीमला हिल में ये टेम्पल स्थित है द शबरीमला टेम्पल बैकग्राउंड स्टेट्स दैट विमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज तो बेसिकली मेन्स्ट्रेटिंग विमेन जो है दैट इज टेन टू फिफ्टी ईयर्स आर नॉट अलाउड टू विजिट द टेम्पल ठीक है ये डिसीजन एक्चुअली शबरीमला देवसम बोर्ड ने लिया था जो टेम्पल को मैनेज करता है इसका रीजन ये बताया जाता है दोस्तों लॉर्ड आई एपन ए सेलिब्रेट डी तो बेसिकली लॉर्ड आई ब्रह्मचारी है इसलिए मेन्स्ट्रेटिंग विमेन को टेम्पल में मना किया हुआ है इवन केरला हाई कोर्ट सपोर्टेड दिस नोटिफिकेशन एंड प्रोवाइडेड ए लीगल जस्टिफिकेशन तो बेसिकली जब शबरीमला देवसम बोर्ड ने ये डिसीजन लिया था कि मेन्स्ट्रेटिंग विमन का एंट्री जो है मना करना है इसे केरला हाईकोर्ट का भी सपोर्ट मिल गया था और एक लीगल जस्टिफिकेशन भी प्रोवाइड किया था तो 1991 से वेयर लीगली नॉट अलाउड टू विजिट टेंपल टेंपल तो बेसिकली लीगली भी विजिट नहीं कर सकते थे पर अभी ऐसा नहीं है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया है कि अगर चाहे तो विमेन भी एंटर कर सकते हैं तो अब न्यूज क्या आया है शबरीमला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रपोजल रिसीव सेंट्रल अप्रूवल

काफी सारे डिवोटीज पहुंचते हैं शबरीमला में सीजन के टाइम पर ये जो सीजन है इसे मलयालम में मंडल कालम बोलते हैं ठीक है नौ तो सारे डिवोटीज को काफी परेशानी होती है शबरीमला तक पहुंचने में इसलिए काफी सालों से स्टेट गवर्नमेंट का एक डिमांड था कि शबरीमला के पास में एक एयरपोर्ट होना चाहिए तो ये एयरपोर्ट कंस्ट्रक्ट करने का प्रपोजल को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल मिला है यह न्यूज आया है दोस्तों वैसे शबरीमला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट लिखा हुआ है यह ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट मतलब क्या होता है देखिए प्रोजेक्ट्स को आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकता है वन इज ग्रीनफील्ड सेकंड इज ब्राउन फील्ड ब्राउनफील्ड मतलब क्या होता है मतलब देखिए ऑलरेडी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर उधर होंगे उसको आपको मोडिफे करना है बस ठीक है वेरास ग्रीनफील्ड मतलब उधर कुछ नहीं होगा आपको जीरो से सब कुछ शुरू करना है जैसे कि आप ये देखिए दोस्तों ये जगह पे एक्चुअली एयरपोर्ट आने वाला है तो इधर तो कुछ नहीं है ना केवल जंगल है तो पहले जंगल को क्लियर करना होगा फिर जाके सारे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना होगा ऐसे प्रोजेक्ट जो एकदम जीरो से शुरू करते हैं ना इसे आप ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट बोल सकते हैं वेरास ब्राउनफील्ड क्या है कोई भी एक एक्सिस्टिंग स्ट्रक्चर का आप मॉडिफिकेशन करोगे ठीक तो स्टेट गवर्नमेंट टेक्नो इकोनॉमिक फीसिबिली स्टडी रिपोर्ट प्रेजेंट किया था यूनियन यूनियन मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ ऑफ सिविल सिविल एविएशन एविएशन के सामने और है उन्होंने अपना अप्रूवल दिया है वैसे टेक्नो इकोनॉमिक फीसिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट मतलब क्या होता है देखिए जब आप एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हो तो आपको सबसे पहले उस प्रोजेक्ट का टेक्निकल फीसिबिलिटी देखना पड़ेगा मतलब टेक्निकली क्या यह प्रोजेक्ट पॉसिबल है यह देखना पड़ेगा फिर इकोनॉमिकली क्या फीसिबल है यह भी देखना पड़ेगा इसे कहते हैं टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट तो यह रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट ने यूनियन मिनिस्ट्री के सामने प्रेजेंट किया था और यूनियन मिनिस्ट्री सेटिसफाइड है पर देखिए दोस्तों जब आप एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हो टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी स्टडीज के अलावा और भी कई सारी चीजें देखना पड़ता है जैसे कि सोशल इंपैक्ट असेसमेंट एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट एक्सेट्रा ठीक है मतलब सोसाइटी के ऊपर क्या इंपैक्ट हो गया यह प्रोजेक्ट से एनवायरमेंट के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा इस प्रोजेक्ट से ये सब देखना पड़ेगा अब ये सब बचा हुआ है दोस्तों ये सब चल रहा है तो इस मिशन का जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है उन्होंने बोला है सोशल इंपैक्ट असेसमेंट स्टडी फाइनल स्टेज में है और एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट भी फाइनल स्टेज में है, दोनों फाइनल स्टेज में ठीक है एंड द प्रपोस्ड एयरपोर्ट विल हैव पॉइंट फाइव किलोमीटर लॉन्ग रन ऑपरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट ऑफ ऑल्ड का एयरक्राफ्ट जो है इस रनवे में ऑपरेशन होगा क्योंकि काफी लेंथी रनवे है और वाइड रनवे भी है तो ये सारे असेसमेंट स्टडीज वगैरह कंप्लीट होने के बाद लैंड एक्विजिशन शुरू होगा लैंड एक्विजिशन मतलब क्या होता है मतलब जहां पे ये एयरपोर्ट आएगा ना उधर गवर्नमेंट एरियाज को छोड़कर प्राइवेट एरियाज भी होगा तो वो प्राइवेट लैंड ओनर से गवर्नमेंट को लैंड खरीदना होगा इसे लैंड एक्सिएशन कहते हैं इसके बाद डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट डीपीआर फॉर्मुलेट किया जाएगा फॉलोड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए स्पेशल स्पेशल मतलब क्या होता है ये सुना ही होगा देखिए कोई एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट एक सेपरेट बॉडी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं उनका काम वही होगा वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना एंड ऑपरेट करना इस तरह जब गवर्नमेंट एक सेपरेट बॉडी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ना इसे स्पेशल पर्पस वेहीकल बोलते हैं मतलब एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए वो बॉडी या फिर वो एजेंसी गवर्नमेंट सेटअप करते हैं ठीक है नाउ रीजन गवर्नमेंट ऑर्डर के हिसाब से टू एकर्स ऑफ लैंड Accure किया जाएगा फॉर द एयरपोर्ट एंड ए सिविल डिस्प्यूट इज पेंडिंग इन ए सपकोर्ट बिटवीन गवर्नमेंट एंड बिलीवर्स चर्च ओवर द ऑनरशिप ऑफ द स्टेट विच कॉन्स्टिट्यूट से मेज अब पोर्शन ऑफ द प्रोजेक्ट एरिया आप देखिए दोस्तों जब भी इस तरह के लैंड एक्सन होते हैं ना तो काफी डिस्प्यूट होते हैं क्योंकि जब गवर्नमेंट प्राइवेट लैंड होने से लैंड खरीदते हैं वो सैटिस्फाइड नहीं होते हैं वो कहेंगे कि हमारे बिल्डिंग से वो तो आप डिस्ट्रॉय करेंगे उसका भी हमें कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए हमारा लैंड आप ले रहे हो तो हमें दूसरा लैंड खरीदने के लिए आपको पैसे देना चाहिए तो इस तरह के डिस्प्यूट्स तो चलता ही रहता है इंडिया में कहीं भी हो जब भी गवर्नमेंट लैंड एक्योर करते हैं, ये डिस्प्यूट्स तो होते ही तो शबरीमला के आसपास भी प्राइवेट एरियाज़ को खरीदने में इस तरह के डिस्प्यूट्स ऑलरेडी हुआ है एक्चुअली ये जो एरिया है इधर बिलीवर्स चर्च करके चर्च है उनके काफी सारे प्रॉपर्टीज है ठीक है तो उनके साथ ऑलरेडी डिस्प्यूट वगैरह चल रहा है एंड इट इज अंडर द लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट एज द गवर्मेंट कैन प्रोसीड विदेशन बाई डिपोजिट विदर्टीज वैल्यू इन द कोर्ट नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट देखिए गवर्नमेंट कोई भी पर्पज के लिए जब प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनर से लैंड खरीदते हैं ना उसके लिए एक एक्ट ऑलरेडी पार्लियामेंट ने एनेक्ट किया है 2013 में जिसे आर एफ सी टी एल ए आर आर एक्ट कहते हैं इसका फुल फॉर्म क्या है मैं आपको बता देता हूं राइट टू फेयर कॉम्पनसेशन ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विशन रीहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट आसान भाषा में दोस्तों अगर कोई प्राइवेट लैंड ओनर से गवर्नमेंट लैंड खरीदते हैं तो उनको फेयर कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए पूरे प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए उनका रीहेबिलिटेशन होना चाहिए उनका रीसेटलमेंट होना चाहिए मतलब आ, अगर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी एक जगह में रह रहा है वो घर बनाया हुआ है सब कुछ उनका एकदम सेटल्ड है और गवर्नमेंट वो लैंड खरीद रहा है कोई भी एक प्रोजेक्ट के लिए तो केवल उस लैंड एंड बिल्डिंग का कॉम्पनसेशन देने से काम नहीं हो जा काम नहीं होगा उनको उधर से शिफ्ट करने के या फिर रिलोकेट करने के लिए जितने पैसे लगेगा ना वो सब गवर्नमेंट को देना होगा ये प्रोविजन आर एफ सी टी एल एर आर एक्ट में लिखा हुआ है बेसिकली फेयर कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए रीहेबिलिटेशन होना चाहिए रीसेटलमेंट भी होना चाहिए यह सब आप ध्यान दीजिएगा ठीक है अगला है आर्मी में हेल्प बिल्ड बेली ब्रिजेस इन काजिरंगा जीएस पेपर थ्री कंजर्वेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब इन आपको काम आएगा छोटा सा न्यूज है काजिरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व के बारे में आपको पता ही होगा आसाम स्थित है ब्रह्मपुत्रा रिवर के पास है ग्रेट वन हॉर्न राइनोजरस के लिए फेमस है एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है तो उधर बेली ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट करने के लिए इंडियन आर्मी आशीष करेंगे ये न्यूज आया है दोस्तों बेली ब्रिजेस क्यों कंस्ट्रक्ट हो रहा है इट इज फॉर द फास्टर मूवमेंट ऑफ फॉरेस्ट गार्ड्स इन स्ट्राटेजिक वनरेबल पॉकेट्स ऑफ द वन हॉर्न राइनो डोमेन देखिए दोस्तों एक जो कजरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व है ये काफ़ी बड़ा एरिया है और बीच बीच में से ब्रह्मपुत्रा रिवर भी निकलती है ये बात आपको मालूम है तो उधर जो फॉरेस्ट गार्ड्स है उन्हें कजरंगा नेशनल पार्क का हर जगह में पहुंचने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि बीच बीच में छोटे छोटे स्ट्रीम्स वगैरह आते हैं तो उनका मूवमेंट को एक्सपडीट करने के लिए बेसिकली फास्टर मूवमेंट इंश्योर करने के लिए उधर बेली ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट करके देंगे ये इंडियन आर्मी ने बोला है वैसे बेली ब्रिजेस मतलब क्या होता है जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं इट इज़ अ टाइप ऑफ पोर्टेबल प्री फेब्रिकेटेड ट्रस्ट ब्रिज देखिए दुनिया भर के जो मिलिट्री यूनिट्स है ना बेली ब्रिजेस बनाने में एक्सपर्ट है क्योंकि उनका ऑपरेशन में ये मदद करते हैं ये पोर्टेबल है इसे आप ईजीली डिस्पैंडल कर सकते हैं असेंबल भी कर सकते हैं तो ऑपरेशन में जब भी कोई ज़रूरत होती है ये जल्दी ही जल्द ये ब्रिज को असेंबल करते हैं और लगा देते हैं और ईजीली इसे डिस्पैंडल भी किया जा सकता है ठीक है अगर आप बेली ब्रिज की हिस्ट्री जानना चाहेंगे तो नाइनटीन फोर्टी में बेसिकली जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तब ब्रिटिश ने मिलिट्री यूज के लिए बेली ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट करते थे इसके बाद कैनेडियन अमेरिकन मिलिट्री इंजीनियरिंग यूनिट्स भी बेली ब्रिजेस का इस्तेमाल किया है एंड इट हैज द एडवाटेजेस ऑफ रिक्वायरिंग नो स्पेशल टूल्स और हैवी इक्विपमेंट टू असेंबल इसे असेंबल करने में या फिर डिसमैंडल करने में कोई हैवी टूल्स की जरूरत नहीं है ठीक है तो इस तरह के बेली ब्रिजेस कजरंगा नेशनल पार्क के अंदर अलग अलग जगहों पर कंस्ट्रक्ट करेंगे ये बोला है इंडियन आर्मी आपको पता ही है दोस्तों सीजन के टाइम पर ब्रह्मपुत्र रिवर जो है ओवरफ्लो करती है जिस वजह से कजरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व का मैक्सिमम एरियाज जो है पानी के नीचे आ जाता है तो उस टाइम पर इस तरह के बेली ब्रिजेस जो है फॉरेस्ट गार्ड्स को मदद करेंगे मूवमेंट के लिए तो ये जो ब्रिजेस है ये कजरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व के अलग अलग सेक्टर्स में इंस्टॉल किया जाएगा जैसे कि मिहिन कोहोरा कतपारा घट इन बागोरी रंगा मोटिया इन द अगोरा तोली सेक्टर ऑफ द पार्क सारे जो ब्रिजेस है चार मीटर्स वाइड होंगे एंड बिटवीन थर्टी मीटर्स एंड हंड्रेड मीटर्स इन लेंथ भी होंगे ठीक है वैसे कजनगा नेशनल पार्क की बात किया जाए दोस्तों जैसे मैंने आपको पहले बताया वन हॉर्न राइनोजरस के लिए काफ़ी फेमस है और अनफॉर्चुनेटली उधर राइनोजरस का पोचिंग भी होता है दोस्तों इसलिए कजनगा नेशनल पार्क के जो अथॉरिटीज है एंटी पोचिंग कैंप्स भी सेटअप किया है ठीक है टोटल 223 हंड्रेड एंड ट्वेंटी थ्री एंटी कोचिंग कैंप्स ऑलरेडी कजरंगा में है वैसे रिसेंटली एक न्यूज़ आया था दोस्तों कजरंगा में राइनोजर्स का जो पॉपुलेशन है वो रिसेंट कुछ ईयर्स में इंक्रीज हुआ है ठीक है नाउ अकॉर्डिंग टू द 2022 काउंट द पार्क हैज एन एस्टिमेटेड 2613 राइनोस तो टोटल कितने राइनोस है उधर 2613 थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड थर्टीन आज पर टू एंड इंडिया में डेंसिटी ऑफ टाइगर्स भी खजिरंगा टाइगर रिजर्व में है ये भी आप ध्यान दीजिएगा ठीक है अगला न्यूज है जी सेवन वर्क फॉर कार्बन फ्री इलेक्ट्रिसिटी थर्टी फाइव जी एस पेपर थ्री एंड टू कंसर्वेशन इंटरनेशनल ग्रुपिंग को काम आएगा देखिए अगले महीने जापान का हिरोशिमा में जी सेवन सबमिट होने वाला है तो जी सेवन कंट्रीज के जो लीडर्स है वो अटेंड करेंगे वैसे जी सेवन में कौन कौन से कंट्रीज है दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कैनेडा इटली फ्रांस जर्मनी यूके एंड जापान तो टोटल सेवन कंट्रीज है जी सेवन में पहले जी एट हुआ करता था पर 2014 में जब रशिया क्रीमियन पेनिनसुला को कोनेक्स किया यूक्रेन से तब रशिया को जी एट से निकाल दिया और अभी के हिसाब से जी सेवन है जी सेवन कंट्रीज दुनिया के सबसे अमीर कंट्रीज आप बोल सकते हैं जहां पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वगैरह बहुत ज्यादा है ठीक है तो जी समिट हिरोशिमा में होने वाला है अगले महीना इससे पहले जी7 कंट्रीज के जो क्लाइमेट एंड एनर्जी मिनिस्टर्स हैं उनका एक मीटिंग हुआ था तो इन्होंने एक डिसीजन लिया है कि 2035 तक कार्बन फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन इंश्योर करेंगे और कोल को फेस आउट करेंगे करके और इस मीटिंग में इंडिया की तरफ से एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी भी पार्टिसिपेट किया था इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट्स प्रेसिडेंसी ऑफ जी20 देखिए जी20 समिट भी इस साल होने वाला है इंडिया में जी ट्वेंटी प्रेजिडेंसी इंडिया के पास है तो इस कॉन्टेक्स में इंडियन एनवायरमेंट मिनिस्टर भी ये समिट अटेंड किया था वैसे जो जी सेवन कंट्रीज है दोस्तों दे आर पार्ट ऑफ जी ट्वेंटी ऑल्सो ठीक है जब भी आप जी ट्वेंटी में कौन कौन से कंट्री से याद करोगे ना तो सबसे पहले यही ध्यान रखिएगा कि सारे जी सेवन कंट्रीज जी ट्वेंटी का पार्ट है ठीक है नाउ ये फेस आउट ऑफ कॉल वाला कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं देखिए जी सेवन कंट्रीज का कहना यह है कॉल को कंप्लीटली फेस आउट करना चाहिए वैसे देखा जाएगा तो उनका इंटेंशन सही है क्योंकि कोल जलाने से ग्रीन हाउस गैस एमिशन बहुत ज्यादा होता है और ग्रीन हाउस गैस एमिशन्स होने से क्या होगा ग्लोबल वार्मिंग होगा ऑलरेडी ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा हो चुका है वैसे सारे कंट्रीज ने 2015 में ये एग्री किया था पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड के थ्रू कि एवरेज रेस ऑफ टेम्परेचर को हम टू डिग्री सेल्सियस के अंदर कंटेन करेंगे बेसिकली प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स में लेके आएंगे हो सके तो 1.5 डिग्री सेल्सियस के अंदर लेके आएंगे पर जिस हिसाब से आजकल ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है चाहे वो इंडस्ट्रियल एमिशन से हो या फिर वहीकुलर एमिशन से हो ये लग नहीं रहा है हम 1.5 डिग्री सेल्सियस के अंदर या फिर इवन 2 डिग्री सेल्सियस के अंदर कंटेन कर पाएंगे एवरेज राइस ऑफ टेम्परेचर को इसलिए जी कंट्रीज़ का कहना ये है दोस्तों हमें कोल को फेस आउट करना चाहिए पर इंडिया जैसे कंट्रीज एग्री नहीं करते हैं क्योंकि इंडिया चाइना जैसे जो मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज है ना ये कोल के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेड है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए हमारे देश में जो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट है ना उसका करीब सेवेंटी फाइव टू एटी परसेंट थर्मल एनर्जी से हम मैनेज करते हैं ठीक है बेसिकली हम कोल जला के ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ बोलेंगे कोल को फेस आउट करना है तो दूसरा कोई तरीका हमें बताओ जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी हो गया या फिर नेचुरल गैस से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का जो तरीका हो गया जो भी है उसके लिए पैसे भी तो चाहिए ना इसलिए इंडिया जैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वेस्टर्न कंट्रीज को या फिर जो अमीर कंट्रीज हैं जो क्लाइमेट चेंज को टैकल करने की बात करते हैं उनसे ये कहते हैं आप मुझे आप हमें पैसे भी दे दो हम तैयार हैं कॉल को फेस आउट करने के लिए पर दूसरे जो टेक्नोलॉजी है उसे डेवलप करने के लिए हमें पैसे भी तो चाहिए ना इसे बोलते क्लाइमेट फिनेंसिंग ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको कई बार समझाया है क्लाइमेट फिनंसिंग का मतलब क्या होता है अगर वेस्टर्न कंट्री से चाहते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्री से वो अपना ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम करें तो उसके लिए हमें टेक्नोलॉजी दे दो हमें पैसे दे दो क्योंकि आज जो ग्लोबल वार्मिंग हुआ है ये डेवलप्ड कंट्रीज़ की वजह से हुआ है उन्होंने काफ़ी साल पहले से इंडस्ट्रीज डेवलप किया है इतना ज़्यादा कोल उन्होंने जलाया है जिस वजह से ग्लोबल वार्मिंग आज की स्थिति में पहुंचा है और अब आप डेवलपिंग कंट्रीज़ को बोल रहे हो कि आप ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को कम करो हम कैसे करें हमें भी तो डेवलप होना है है कि हमें हमें भी तो प्रोडक्शन करना है आगे बढ़ना है इसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत है तो हमें तो कोल जलाना ही होगा आप सब करके बैठ गए और आप हमें बोल रहे हो तो अगर हमें अब ये करना है तो आपको हमें पैसे देना होगा ये जो पॉइंट है इंडिया जैसे जो डेवलपिंग कंट्री से बार बार उठाया है पर ये जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो उतने पैसे देने के लिए तैयार नहीं है वैसे कमिटमेंट तो बहुत बार हुआ है हंड्रेड बिलियन देंगे टू हंड्रेड बिलियन देंगे यह सब बोला है पर अब तक ये प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाया है 2021 में जब यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का ट्वेंटी सिक्स मीटिंग हुआ ग्लासगो स्कॉटलैंड में तब इंडिया ने फेसोट वाला लैंग्वेज को ऑब्जेक्ट किया था और बोला आपको फेसडोन वाला लैंग्वेज यूज करना चाहिए फेसआउट और जोन में फर्क क्या है देखिए फेसआउट मतलब क्या है आपको कंप्लीटली कॉल का यूसेज बंद करना होगा ऐसे कैसे होगा हम इतना ज्यादा डिपेंडेंट है कॉल के ऊपर आप बोल रहे हो कि बंद कर दो ये नहीं होगा इन हम हम जोन वाला लैंग्वेज यूज करेंगे जोन मतलब क्या है धीरे धीरे हम कॉल के ऊपर जो डिपेंडेंट है उसे कम करेंगे वैसे देखा जाएगा तो हमारा जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है है कि नहीं ऑलरेडी हमने एक टारगेट बनाया है 2030 तक 500 हंड्रेड जीगा का रिन्यूएबल एनर्जी क्रिएट करेंगे करके बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस क्रिएट करेंगे करके ऑलरेडी सी ओ पी ट्वेंटी वन में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कमिट करके आया था कि टू थाउजेंड थर्टी तक हम फाइव हंड्रेड जिगवाट का रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस को ऑपरेशनल करेंगे करके तो ऑलरेडी हम कर रहे कुछ तो हम फेस डाउन करेंगे कंप्लीटली फेस आउट नहीं करेंगे फिर अगले साल दैट इज टू थाउजेंड ट्वेंटी टू में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का जब ट्वेंटी सेवन्थ मीटिंग हुआ कहाँ पे हुआ शर्मल शेख इजिप्ट में हुआ जिसे सिटी ऑफ पीस भी कहते हैं तो उधर इंडिया ने क्या बोला टू फेस आउट ऑल फोसिल फ्यूअल सोर्स इंक्लूडिंग कोल एंड गैस अब देखिए ये स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि इंडिया को पता है ये जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो अपना खेल खेल रहा है पता है आपको इंडिया चाइना जैसे कंट्रीज जो है कोल के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है वेरास जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना वो भी कोई रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है वो क्या यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए नेचुरल गैस यूज कर रहे हैं और कंपेरिटिवली कोल में ज्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन है मेरा नेचुरल गैस में कंपेरिटिवली कम है ठीक है तो देखिए और जो डेवलप कंट्रीज है वो क्या कर रहे हैं गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2022 में जब सीओपी का ट्वेंटी मीटिंग हुआ शर्मल शेख ईजिप में इंडिया ने डिप्लोमैटिकली एक गेम खेला इंडिया ने बोला ठीक है हम ल को फेस आउट करेंगे क्योंकि वो तो मान ही रहा था फेसडोन वाला टर्म यूज करने के लिए वो तो फेस फेस आउट फेस आउट ही बोल रहा था तो 2022 में जब शर्मल शेख में मीटिंग हुआ तो इंडिया ने पता है क्या बोला हम फोसिल फ्यूल सोर्सेस को कंप्लीटली फेस आउट करेंगे केवल कोल को नहीं हम कोल को भी फेस आउट करेंगे गैस को भी फेस आउट करेंगे अब बताओ ठीक है सो ये वाला सजेशन भी उनको जमा नहीं बेसिकली फेस आउट एंड फेसडोन के ऊपर कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ या फिर सारे फोसिल फ्यूल सोर्सेस को आउट करने के बारे में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ तो कोई फाइनल एग्रीमेंट के बिना शर्मल शेख मीटिंग जो हुआ था वो भी खत्म हो गया था तो अब जो जी सेवन मिनिस्टर्स का मीटिंग हो रहा है दोस्तों इन्होंने एग्री किया है टू एक्सेलरेट सोलर एंड विंड एनर्जी इन्वेस्टमेंट्स टू प्रोड्यूस थाउजेंड जिगावट बाय 2030 थाउजेंड फ्रॉम सोलर पावर एंड 150 फिफ्टी जिगावट ऑफ विंड पावर फ्रॉम ऑफ प्लेटफॉर्म्स तो देखिए इन्होंने अभी एग्री किया है कि टू तक थाउजेंड जिगावाट सोलर पावर से प्रोड्यूस करेंगे और वन फिफ्टी जिगावाट ऑफ विंड पावर भी प्रोड्यूस करेंगे ऑफ शोर प्लेटफॉर्म से ठीक है एंड दे वुड बी लाइन विद रीजन रिपोर्ट बाई द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज दैट इज आई पी सी दैर रिपीट द नीड टू एन्श्योर दैट ग्लोबल टेपरेचर डू नॉट इंक्रीज बाई मोर देन वन पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस ऑफ़ प्रंडस्ट्रियल बाई द इंड ऑफ द सेंचुरी तो देखिये रिसेंटली इंटर गर्वमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का रिपोर्ट आया था तो उन्होंने अपना रिपोर्ट में बोला था कि हमें वन पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस के अंदर ग्लोबल टेम्परेचर को कंटेन करना है एटलीस्ट बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी तो ये जो आईपीसीसी का रिपोर्ट है उसके हिसाब से आजकल एग्रीमेंट्स वगैरह हो रहा है ये कह रहा है दोस्तों फिर हमारा इन्वयमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी ने बोला है डेवलपिंग कंट्रीज टू नीडेड फिनेंस टेक्नोलॉजी एंड असिस्टेंस फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज फॉर ट्रांसमिशनिंग अवे फ्रॉम फोसिल फ्यूल्स एंड ही रीट्रेटेड दैट डेवलप्ड कंट्रीज ऑल ऑफ हुम इंक्लूडेड इन द जी मेक गुड ऑन देयर कमिटमेंट्स ऑन फिनेस फॉर कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज तो वही बात मैंने जो आपको पहले बोला कि मिनिस्टर यादव जी ने ये बोला है कि डेवलप्ड कंट्रीज को क्लाइमेट फिनेंसिंग करना चाहिए टेक्नोलॉजी देना चाहिए असिस्टेंस प्रोवाइड करना चाहिए अगर आप ये चाहते हैं डेवलपिंग कंट्रीज फोसिल फ्यूल से ट्रांसिट करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी में ऐसा नहीं होगा आपको पैसे देना होगा आपने जो कमिटमेंट किया है पहले से वो कम से कम पूरा कर दो अगला है यूएस ऑफ इंडिया biggest trading partner in financial year 23 at 128.55 billion dollar china at second position gs paper to international trade 2022-23 financial year may india ka biggest trading पार्टनर था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इंडिया और यूएस के बीच में आजकल इकोनॉमिक टाइज जो है दोस्तों वो इंक्रीज हो रहा है इसका रिजल्ट भी दिख रहा है दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 2022 थाउजेंड ट्वेंटी दैट इज लास्ट फिनेंशियल ईयर में इंडिया का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर था तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने एक प्रोविशनल डाटा रिलीज किया है उनके हिसाब से बाइलेटरल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूएस हैज इंक्रीज बाई सेवन to 128.5 बिलियन यूएस डॉलर्स in 2022-23 as against 119.5 बिलियन डॉलर्स in 2021-22. तो अगर आप 2021-22 फिनेंशियल ईयर से कंपेयर करोगे तो 7.65 परसेंट का इंक्रीज हुआ है 2022-23 में और 2020-21 में मतलब तीन साल पहले केवल 80.5 बिलियन एस डॉलर्स का ट्रेड हुआ था और टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री में सीधा सीधा वन ट्वेंटी बिलियन डॉलर्स का ट्रेड हुआ है दोस्तों ठीक है ना no. इंडिया से यूएस की तरफ जो एक्सपोर्ट्स है वो 2.81 परसेंटेज इंक्रीज हुआ है टू यूएस डॉलर 78.31 बिलियन देखिए जब आप इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते आपको एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स दोनों जोड़ना होगा ठीक है तो इंडिया की तरफ से यूएस में जो एक्सपोर्ट्स हुआ उसमें टूट टू पॉइंट परसेंटेज का इंक्रीज हुआ है ठीक है नाउ इंपोर्ट्स ग्रू बाई अबाउट सिक्सटीन परसेंट टू यूएस डॉलर फिफ्टी बिलियन इंपोर्ट्स भी इंक्रीज हुआ है एक्सपोर्ट्स भी इंक्रीज हुआ है इंपोर्ट्स इंक्रीज भी इंक्रीज़ हुआ है वैसे इंपोर्ट ज्यादा इंक्रीज हुआ है वैसे आपको एक बात समझना है दोस्तों यूएस के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है मेजोरिटी ऑफ कंट्रीज के साथ इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है मतलब एक्सपोर्ट्स कम और इम्पोर्ट्स ज़्यादा है पर यूएस के साथ जो हमारा बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है उनके साथ हमारा क्या है ट्रेड सरप्लस है हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा है इम्पोर्ट्स कम है बहुत अच्छी बात है ना ऑन द अदर हैंड ड्यूरिंग टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री इंडिया टू वे कॉमर्स विद चाइना डिक्लाइन बाई अबाउट वन पॉइंट अब देखिए इंडिया और चाइना के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड 2022 थाउजेंड टू ट्वेंटी में हुआ वो डिक्रीज हुआ है दोस्तों कितना 1.5 परसेंट कितना है टोटल यूएस डॉलर वन 113.83 बिलियन ठीक है और पिछले फिनंशल ईयर में 115.42 बिलियन यूएस डॉलर्स था और चाइना चाइना में हमने जो एक्सपोर्ट्स किया वो 28 परसेंट डिक्रीज हुआ है एंड इंपोर्ट्स इंक्रीज हुआ है 4.16 परसेंट ये अच्छी बात नहीं है दोस्तों क्योंकि चाइना के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है ऑलरेडी ठीक है हमारा जो ट्रेड गैप है बेसिकली एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स अगर आप देखोगे दैट इज़ अराउंड 83.2 बिलियन डॉलर्स और डाटा क्या आया है इंडिया जो चाइना में एक्सपोर्ट करते हैं उसमें डिक्रीज हुआ है वह चाइना से इंडिया में जो इम्पोर्ट्स हो रहा है वो इंक्रीज हुआ है ठीक है अगर इंडिया यूएस इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें तो इंडिया सबसे ज्यादा कौन कौन से प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करता है यूएसए में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नोट कीजिएगा फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सेट्रा ये मेजर प्रोडक्ट्स है और भी कई सारे प्रोडक्ट्स हैं ठीक है नाउ इंडिया प्रोवाइड्स ह्यूज ट्रेड अपॉर्चुनिटीज फॉर द यूएस इंडिया इज द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर मार्केट एंड द फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट इकोनॉमी देखिए इंडिया के साथ अच्छा इकोनॉमिक रिलेशन मेंटेन करना कोई भी कंट्री के लिए एक अच्छी बात है दोस्तों क्योंकि एक तो इंडिया में पॉपुलेशन इतना है इंडिया दुनिया का ला थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर मार्केट है और फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट इकोनॉमी भी है तो इंडिया के साथ अगर अच्छा ट्रेड रिलेशन इकोनॉमिक रिलेशन वगैरह मेंटेन करेंगे तो कोई भी कंट्री के लिए सही है और इंडिया इस तरह यूएसए के लिए भी काफ़ी ट्रेड अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहा है नौ मेजर एक्सपोर्ट आइटम्स फ्रॉम इंडिया टू यू इंक्लूड पेट्रोलियम पोलिश डायमंडस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स ज्वेलरी लाइट ऑल्स एंड पेट्रोलियम फ्रोजन श्रिम्प मेडअप्स एक्सेट्रा वेरास मेजर इंपोर्ट्स कौन कौन सा है मतलब हम यूएसए जो यूएसए से जो इंपोर्ट कर रहा है वह है पेट्रोलियम रफ डायमंड लिक्विफेड नेचुरल गैस गोल्ड कोल वेस्ट एंड स्क्रैप एलमंड्स एक्सेट्रा तो इधर भी मैंने आपको बताया था कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में एक्चुअली ये जो प्रोडक्ट्स मैंने आपको इधर बताया ना फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग एंड जेम्स एंड ज्वेलरी इनका जो एक्सपोर्ट्स वो इंक्रीज हुआ यह मैं कह रहा हूँ इधर जो मैं आपको बताया दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ये नोट कीजिएगा हम कौन कौन से प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं पेट्रोलियम पोलिस डायमंड्स फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स ज्वेलरी लाइट लाइटोल्स पेट्रोलियम फ्रोशन फोर्शनश्रीम मेडअप एक्सेट्रा और इंपोर्ट क्या, क्या क्या कर रहे हैं पेट्रोलियम रफ डायमंड्स लिक्विफाइड नेचुरल गैस गोल्ड कोल वेस्ट एंड स्क्रैप एक्सेट्रा एक्सेट्रा ठीक है ना अमेरिका इज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज विथ विच इंडिया हैस ए ट्रेड सरप्लस वही मैंने आपको पहले बताया दोस्तों मेजोरिटी ऑफ कंट्रीज के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है पर अमेरिका इज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज जिनके साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है ठीक है टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री फाइनेंशियल ईयर में इंडिया का ट्रेड सरप्लस है यूएसए के साथ ट्वेंटी एट बिलियन यूएस डॉलर इसका वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट डाटा शोर दैट चाइना वॉस इंडिया टॉप ट्रेडिंग पार्टनर सिंस टू थाउजेंड थर्टीन फोर्टीन टिल 2017-18 एंड ऑल्सो इन 2020-21. तो पिछले कई सालों से चाइना हमारा मेजर ट्रेडिंग पार्टनर था पर आजकल ये चेंज हुआ है तो उसने टॉप किया है चाइना से पहले यूएई इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर था ठीक है एंड 2022 23 ट्वेंटी फाइनेंस ईयर में यूएई के साथ हमारा 76.16 बिलियन डॉलर का ट्रेड हुआ वॉज द थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया तो बस आप ये ध्यान दीजिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया होगा टू थाउजेंड ट्वेंटी ईयर जो मतलब आप ही फिनेंशर कंप्लीट हुआ इधर इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर कौन था यूएसए सेकंड चाइना थर्ड यूएई फोर्थ कौन है सऊदी अरेबिया एंड फिफ्थ है सिंगापुर ठीक है समझ गए फाइनल न्यूज़ लीगलाइसिंग सेम सेक्स यूनियंस विल improve मेंटल हेल्थ आउटकम्स among LGBTQIA+ जी प्लस इंडिविजुअल ये कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है दोस्तों फिर भी ये न्यूज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों इसमें आपको एक पॉइंट मिल जाएगा आपका मेन्स आंसर राइटिंग के लिए क्योंकि रिसेंटली एक स्टडी रिपोर्ट आया है ये स्टडी रिपोर्ट का टाइटल है द एंटिसिपेटेड इंपैक्ट ऑफ एल जी प्लस मैरिज इक्वालिटी लेजिस्लेशन ऑन इंडियन सोसाइटी एंड मेंटल हेल्थ करके तो छः रिसर्चर्स ने यह स्टडी रिपोर्ट तैयार किया था इन्होंने बोला है अगर सेम सेक्स यूनियंस को लीगलेज करेंगे ना अगर इंडिया में तो एल जी बी टी क्यू आई ए प्लस इंडिविजुअल्स का मेंटल हेल्थ में इंप्रूवमेंट होगा करके वैसे आपको पता होगा इंडिया में सेम सेक्स मैरिज को अभी तक लीगलेज नहीं किया है और इसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन्स भी शेड्यूल किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग बहुत जल्दी शुरू होगा तो उसी बीच में अब एक रिपोर्ट आया है अगर सेम सेक्स मैरिज को लीगलेज करेंगे इंडिया में तो एल जी बी टी क्यू प्लस में इंप्रूवमेंट होगा तो ये पॉइंट आप बस ध्यान दीजिएगा कहीं ना कहीं रिपोर्ट में, तो में जो पॉइंट बोला है ये आप कोट कर सकते हैं इसलिए मैंने आपको ये पॉइंट कहा और एक पॉइंट में बताना चाहूंगा कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 377 को डीक्रिमिनलाइज किया था सेक्शन 377 क्या था बेसिकली अननेचुरल सेक्स को

आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा लेक्चर की पीडीएफ एह सूचल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे प्रोवाइडेड है थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय बाय हैव नई डे।